2016 में Xiaomi की तरफ से बजट फोन के लिस्ट से एक है Redmi Note 3। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम Xiaomi ने अनाउंस किया है कि Redmi Note 3 में MIUI 9 का अपडेट मिलेगा, पर कब अपडेट OTA के थ्रू मिलेगा नहीं पता। तो कैसे आप ऑफिशियल तरीके से Redmi Note 3 में MIUI 9 का अपडेट ले पाओगे, जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है फ़ोन को रिसेट करना। तो फ़ोन को रिसेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। कहाँ गया एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैकअप एंड रिसेट पे जाना है, और बैकअप एंड रिसेट के बाद आपको यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रिसेट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे रिसेट फ़ोन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लेगा ये। तो अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ओके के लिए 10 सेकेंड मांग रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आप इसे ओके करोगे तो आपका फ़ोन जो रिसेट हो जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मैं यहाँ पे रिसेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी इस फ़ोन को रिसेट किया है, तो इसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे MIUI 9 को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो en.miui.com, ये वेबसाइट है, इस पे आपको विजिट करना है। यहाँ पे विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है डाउनलोड MIUI ROMs। तो यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आपको Redmi Note 3 मिल जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल गया Redmi Note 3। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप स्टेबल रोम को डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि स्टेबल रोम है MIUI 8 के ऊपर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे MIUI 9 को, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो वो है डेवलपर रोम। तो आप डेवलपर रोम को डाउनलोड कीजिए। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है, डाउनलोड फुल रोम पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो मैं यहाँ पे पहले से डाउनलोड कर रहा था, तो मैं यहाँ पे फिर से इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये फाइल आ रहा है। अब मैं इसे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो डाउनलोड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो MIUI 9 है इसको आपके मोबाइल फ़ोन में कॉपी करना है। तो आप मोबाइल फ़ोन पे कहीं पे भी कॉपी कर सकते हो। तो चलिए पहले कॉपी कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कनेक्ट करना हो अपने Redmi Note 3 को, तो कनेक्ट कर लिया है मैंने Redmi Note 3। अब इसके बाद अब यहाँ पे आपको मिल गया इंटरनल स्टोरेज, और यहाँ पे आपको इंटरनल स्टोरेज में जो फाइल है उसको कॉपी करना है। तो करते हैं इसको कॉपी, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। तो फाइल को जो है मैंने मोबाइल में सेव कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपडेटर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे चूज अपडेट पैकेज। तो जैसे आप चूज अपडेट पैकेज करोगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है जहाँ पे आपने उसे सेव किया था। मैंने उसे इंटरनल मेमोरी के अंदर सेव किया है, नॉर्मली ओपन में सेव किया है। तो ये ही है वो फाइल जिसको मैंने सेव किया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे ओके करूँगा। तो उसके बाद ये बोल रहा है वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए, तो मैं इसको वाईफाई से भी कनेक्ट कर देता हूँ अभी। तो वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गेटिंग इन्फो बता रहा है। अब यहाँ पे इसको होने देते हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिक्रिप्टिंग दिखा रहा है, तो लगता है बहुत जल्दी हो जाएगा, पता नहीं। तो इसको होने देते हैं, तब तक के लिए मैं वीडियो को करता हूँ स्किप। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो ये जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद ये बोल रहा है इरेज एंड अपडेट, तो मेरा जो मोबाइल के अंदर जो भी डेटा था वो सब कुछ इरेज हो जाएगा, और उसके बाद फ़ोन जो है अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज एंड अपडेट पे क्लिक करता हूँ। तो इरेज मतलब यानी कि ये क्या क्या इरेज करेगा, योर पर्सनल डाटा विल बी इरेज, मेक श्योर दैट बैकअप एनीथिंग यू वॉन्ट टू कीप बिफोर प्रोसेसिंग। तो सब कुछ मैंने बैकअप ले रखा है, तो आप इसका फिक्र मत कीजिए कि आपने MIUI 9 को आपके इंटरनल मेमोरी में सेव किया है, इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस यहाँ पे इरेज एंड अपडेट करना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे इरेज एंड अपडेट कर देता हूँ, तो ये काम शुरू हो गया है।
तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पूरा ब्लैंक हो गया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि MI का लोगो आ गया है। अब इसके बाद देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे MIUI 9 आ गया है और यहाँ पे MIUI 9 पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है। तो मैं इसको जो है सेटअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो MIUI 9 है वो इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे नोगट मिला है या नहीं मिला। तो आप देख रहे हो कि इसके साथ नोगट नहीं है, ये एंड्रॉयड वर्जन 6.0.1 के ऊपर चलता है और सिर्फ MIUI 9 है और इसके साथ कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो मुझे लग रहा था कि इसके साथ नोगट मिलेगा पर ऐसा नहीं हुआ है, इसके साथ हमें नोगट नहीं मिलता है। तो आप देख रहे हो कि क्या रियलिटी है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे नए फीचर को भी ऐड किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन, जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये थोड़ा घूम रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो स्पीड है स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है मुझे लग रहा है। अगर आप चाहते हो कि MIUI 9 के सारे फीचर के ऊपर वीडियो बनाऊँ मैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यही था, मैंने आपको बताया है कि कैसे MIUI 9 को Redmi Note 3 में इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बताने की आपको पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो आप क्या सोचते हो MIUI 9 के बारे में, आप इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, उसके साथ साथ उन सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो MIUI 9 इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।